Everyone, how are you all doing? I hope you all are all right. And today we are going to start up with the new topic of our chapter number 10, light reflection and refraction. ठीक है, so आज हमारा जो topic रहेगा that will be sign convention, right? Okay. सो साइन कन्वेंशन जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक को पढ़ना. साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक जो है जब आप आगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के साथ डील करोगे, लेट्स सपोज आप किसी लेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन कर रहे हो, मिरर फॉर्मूले का क्वेश्चन कर रहे हो, आगे जब आप फॉर्मूलेस पढ़ोगे सो उनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करोगे. ओके, सो वहाँ पर जो है साइन का यूज़ किस तरीके से करना है, पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव कहाँ पर आएगा, वो चीज़ें पता होनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और हर एक क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई भी करनी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहले हम समझ लेते हैं आखिर होती क्या है साइन कन्वेंशन अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें, उसके बाद हम लैंग्वेज पर चलेंगे. ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज़ योर कॉन्केव मिरर. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है. ठीक है, और आपको पता होगा अब तक तो कि ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है दिस इज़ दी पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, ये क्या है, ये है अपनी पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, सो पॉलिश सरफेस से जो दूसरी सरफेस होती है यानी कि ये वाली, ये क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पर क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो हमने ऑब्जेक्ट, अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने मिरर के सामने. ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा, यहाँ पर बनेगी इमेज. ठीक है, मतलब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी लाइट रेस वगैरह की, उनकी बनेगी इमेज. इस साइड बन सकती है इमेज, इस साइड बन सकती है इमेज, नीचे बन सकती है इमेज, ऊपर बन सकती है, कैसे मर्जी बन सकती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी ऑब्जेक्ट की. जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी हमें इमेज चाहिए, वो हमेशा हम रखते हैं इस साइड में. ठीक है, ओके, और हमेशा जो है हमें ये जो साइन कन्वेंशन समझनी होगी, हमें लेनी होगी वो अपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे. ओके, किसके बेसिस पे समझते हैं हम, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे. सो लेट सपोज अब आपको ये अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, इतना आप सभी को पता होगा ही हो. ये होता है हमारा एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस. ठीक है, ये वाला एक्सिस क्या है, हमारा वाई एक्सिस. ओके, सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस पे कहीं पर कैलकुलेशन इस साइड कर रही हूँ, वैसे तो ये पूरा ही एक्स एक्सिस है ना. सो अगर मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कहाँ, इस साइड में. ओके, सो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव में होंगी सारी कैलकुलेशंस. ठीक है, सभी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, नेगेटिव में. ओके, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर. और जो भी कैलकुलेशंस मैं एक्स एक्सिस के इस तरफ करूँगी दे विल ऑल बी इन पॉजिटिव. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. इधर अगर हम, ये क्या है, हमारा ओरिजिन पॉइंट है. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अब वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, सिंपल, ये आपने मैथमेटिक्स में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. ठीक है, सो वाई एक्सिस में जो भी चीज़ हम ऊपर की तरफ कैलकुलेट करते हैं उनको कैसे करते हैं, पॉजिटिव. पॉजिटिव साइन आता है वहाँ पर. ठीक है, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4. इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस को नीचे की तरफ करूँ, यानी कि अगर यहाँ कोई नंबर प्लेस्ड है तो हम कैसे करेंगे, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4. ठीक है, सो ये होती है हमारी साइन कन्वेंशन. क्लियर है इतना, ये हो गया बेसिक. अभी मैं लाइट चैप्टर के साथ रिलेट नहीं कर रही इस स्लाइड में, अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं वाई और एक्स एक्सिस का, कि अगर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, नॉट ऑब्जेक्ट, नंबर की अगर हम बात करें, इस साइड रखा है हमारे एक्स एक्सिस के, सो वो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, ये सारी नंबरिंग्स आती हैं. और वाई एक्सिस के इस साइड है, सो प्लस वन, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव में अगर हमें दोनों की बात करनी हो, सो ये क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस.
क्लियर हुआ, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया क्या पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम कार्टेशियन सिस्टम में जो साइन कन्वेंशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पर हम अपनी साइन कन्वेंशंस रखते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको जो है बहुत ही ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है ये बाद में आपको कन्फ्यूजिंग लगे, ठीक है, सो आप अभी ही ध्यान दोगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो हम अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, हमेशा हम अपनी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उस साइड रखते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो इस तरीके से होगा हमारा कॉनकेव मिरर, और मान लो इस मिरर की पॉलिशिंग कहाँ होगी, इसी साइड होगी, ठीक है। सो इधर से हमने क्या करा, मिरर को पॉलिश कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा बन गया क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है सो मुझे आप खुद ही बताओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे या ऑब्जेक्ट को यहाँ, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट होगी आपकी एक्स एक्सिस के इस साइड होगी, या एक्स एक्सिस के इस साइड आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। सो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने आंसर दे भी दिया होगा। हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पर, लेट सपोज दिस टू बी दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने रख दिया अपनी ऑब्जेक्ट को, ओके। अब ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। अब आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि ये वाला एक्सिस यानी कि इस साइड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मैंने आपको अभी बताया था कि वो हम कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सो यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे हमेशा मिरर से, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे मिरर का, ये जो पोल वाला पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन की तरह सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सो हम अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेंगे, हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो अब आई होप आपको क्लियर हुआ, फॉर अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखोगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब यहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन ऐसे, कोई रिफ्लेक्शन ऐसे करके कुछ भी नहीं होने वाला, कोई रेज वगैरह अपने मिरर पे शायद, क्योंकि वो पॉलिश सरफेस है सो कोई इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे रखते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, ओके। वहीं पर अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करूं, अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे कॉनकेव मिरर के केसेस हैं, चलिए केसेस पे चलते हैं, ठीक है, हम चलते हैं केसेस पे जो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के देखे थे। सो यहाँ देखो, यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो इन्फिनिटी वाला केस है, यहाँ से समझते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये हो गई हमारी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हम अपने मिरर को कहाँ रखते हैं, हम अपने पोल को ओरिजिन मान के चलते हैं ना, यानी कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, वो प्लेन जहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। सो ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव साइड, ये क्या हो गई हमारी नेगेटिव साइड, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है कहीं यहाँ पर, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का बता दोगे आप, क्योंकि ये अपने इस कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहाँ है, नेगेटिव एक्सिस पे बिलोंग कर रही है, सो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं इस इमेज की बात कर रही हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बना रही है, इमेज आप ध्यान दो तो इमेज ये रही ए डैश बी डैश, ठीक है, दिस इज दी इमेज। अब इमेज क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट तो इस तरीके से थी पर इमेज उल्टी हो गई, सो क्या हम इन साइन कन्वेंशन से कोई चीज़ इरेक्ट है या फिर कोई चीज़ हमारी इन्वर्टेड है उसको क्या हम डिनोट कर सकते हैं, सो द आंसर इज येस, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज़ अवर प्रिंसिपल एक्सिस फॉर नाउ, ठीक है, हमारा क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी मेजरमेंट्स आप ऊपर की तरफ करोगे ना, जितने भी मेजरमेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होंगी वो होंगी पॉजिटिव, और जितने भी मेजरमेंट्स आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कर रहे हो वो होंगी नेगेटिव,
क्लियर हुआ। सो यहाँ पर अगर हम अपनी ऑब्जेक्ट की बात करें, सो ये तो हमेशा हम सीधी रखेंगे ना, इस केस में तो सीधी रखी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ आप लिख सकते हो, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अपने इमेज की हाइट की बात करूँ, सो क्योंकि वो हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हमारी इमेज नीचे बन रही है, सो यहाँ हाइट ऑफ इमेज कैसे हम कह सकते हैं, नेगेटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कह सकते हैं हम नेगेटिव। सो कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब ये कुछ केसेस हैं आपके कॉनकेव मिरर के, ठीक है। यहाँ देखो तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो ये रही, हम अभी इमेज की बात कर रहे हैं। सो इमेज हमारी यहाँ हाईली डिमिनिश थी, लेकिन फिर भी इन फ्रंट ऑफ मिरर है, यानी कि रियल है, साथ में इन्वर्टेड। सो इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इस केस की हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव हाइट होगी, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट, और इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज है, इमेज की बात कर रही हूँ मैं। सो इमेज जो है अब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर भी इमेज नेगेटिव साइन शो करेगी। यहाँ आप इमेज को देखो, ज्ञान ए डैश बी डैश इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। सो साइन क्या हो जाएगा, ज्ञान नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देखो, यहाँ हमारी इमेज जाके मिलेगी, बनेगी इन्फिनिटी पे। सो इस केस का साइन मुझे आप बता देना। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इमेज बनेगी कैसी, इन्वर्टेड या रियल, मतलब रियल इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। सो उससे आई होप आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ओके। अब ये जो हमारा लास्ट वाला केस है, इसको आप ध्यान से देखो। कॉनकेव मिरर का ही लास्ट वाला केस हमें बताता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इस तरीके से रखी ही है, बट हमारी इमेज जो है वो भी इस तरीके से बनती है, ठीक है। जो हमारा ए डैश बी डैश है ना, इस कंडीशन में इमेज वाला, वो भी क्या है, सीधा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हमारी क्या है, इमेज बनी है। यानी कि इमेज का जो साइन हम लेंगे ना, हाइट ऑफ इमेज, दैट विल बी पॉजिटिव। साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा इस केस में। यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो हमें नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज भी शो करता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और हमें पॉजिटिव इमेज की हाइट भी शो करता है। सो हम ये कभी नहीं कह सकते अपने कॉनकेव मिरर के लिए कि हमेशा नेगेटिव शो करेगा, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट का क्लियर हुआ सभी को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होने वाला है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्योंकि देखो फिर से देख लेते हैं, यहाँ हमारा हो गया ये, हमने ये ग्राफ बना लिया है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम इसी तरफ रखेंगे क्योंकि इस तरफ तो हमने पॉलिशिंग कर दी है, ठीक है, अपने मिरर के इस तरफ पॉलिशिंग कर दी है। सो ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ रखेंगे, सो ये वाला पोर्शन हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा तो नहीं है अभी नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, नहीं, हमेशा नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर हमेशा जो भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे वो हमेशा नेगेटिव के साथ ही स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इतना साइन कन्वेंशन सभी को क्लियर हुई, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की भी बात करेंगे, सो कॉन्वेक्स मिरर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस से समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी हाइट ऑफ जो सॉरी हाइट नहीं, मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब हमेशा, यहाँ भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसी तरफ है, ठीक है, सॉरी पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, सो नेगेटिव हो जाएगा अगेन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। और यहाँ हमारी डिपेंड करती है कि इमेज कहाँ जाके बन रही है उसके बेसिस पे। लेकिन अब ध्यान हो अगर आपको, सो हमारे केसेस जो हैं वो हमेशा हमें बताते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट भी बनाता है,
बताओ इरेक्ट इमेज बनाता है, सो इससे हाइट ऑफ इमेज से हमें क्या पता लगता है, इमेज की हाइट कैसी होगी अगर इरेक्ट इमेज है तो? चैट सेक्शन में जल्दी से बता देना. ओके सो देखो यहाँ पे क्या कहा है हमने कि जो हमारी इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारी इमेज इस साइड बनती है. ठीक है, यानी कि जो हमने इस तरीके से प्लेन डिवाइड किया, ऐसे किया, ऑब्जेक्ट तो हमारी यहाँ होगी नेगेटिव एक्सिस पे, बट हमारी जो इमेज होगी वो कहीं यहाँ इस साइड बनेगी. यानी कि हमेशा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में कैलकुलेट करेंगे हम इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से. ठीक है, लिख सकते हो आप इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे किससे, वी से. ठीक है, सो हमारा ठीक है, सो इमेज डिस्टेंस को हम शो करते हैं वी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से. ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि जितने भी हम डिस्टेंसेस, या फिर अगर मैं हाइट की बात करूँ, जितने भी हाइट मैं इस एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करूँगी वो होंगी नेगेटिव. ठीक है, सो अब इसको रीड कर लेते हैं हम. यहाँ जो हमारा डायग्राम है, यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी हाइट अपवर्ड्स होंगी वो होंगी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट्स ऑन दी लेफ्ट. ठीक है, ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट के टर्म्स में भी हम कई बार बात करते हैं कि जिस तरफ इंसिडेंट लाइट जा रही है उस तरफ पॉजिटिव साइन लेंगे. ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसी पे बात करते हैं अभी. ठीक है, जो हमने इधर नेगेटिव लिया है, इधर पॉजिटिव लिया है. ठीक है, सो जितने भी डिस्टेंसेस राइट की तरफ है पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे. जितने भी हाइट अगर हम बात करें नीचे की तरफ, यानी कि अपने प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हैं, वो हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव से, और ऊपर वाली पॉजिटिव से. लेफ्ट की तरफ डिस्टेंसेस नेगेटिव साइन से और राइट की तरफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइन से हम डिनोट करेंगे. ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से. While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. ठीक है, इन sign convention को हम क्या कहते हैं, new Cartesian sign convention, जो कि जब हम reflection of light करेंगे, मतलब जितने भी हमारे spherical mirrors जो reflection show कर रहे हैं, उन सबको करते time जो हमारे formulas वगैरह हैं वहाँ पर हमें use करने होते हैं. ठीक है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पोल है ना, उसको हम मिरर का ओरिजिन सपोज करते हैं. द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज टेकिंग एज द एक्स एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को हम लेते हैं एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस की, सो दैट विल बी द एक्स एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस. वैसे तो हमें पता ही ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हम कोई मिरर रखते हैं सो उसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये, लेकिन एक्स एक्सिस होगा ये. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अपने ओरिजिन की, सो दैट विल बी दी पोल. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ये बात कॉमन है, मैंने आपको बता भी दिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे ही तो अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना. सो जब हम लेफ्ट में रखेंगे मिरर की ऑब्जेक्ट को, सो यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारी रखी है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ से जितनी भी लाइट यानी कि इंसिडेंट लाइट्स वगैरह होंगी वो लेफ्ट से आएंगी हमारे मिरर के पास. ठीक है, और इंसिडेंट लाइट वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन है, सो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव सपोज करके चलते हैं. ठीक है, और उससे अपोजिट डायरेक्शन को हम लेते हैं क्या, नेगेटिव. वो भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा ऑलवेज, कोई भी हो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर. जितने भी डिस्टेंसेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं उनको हम मिरर के पोल से मेजर करते हैं. ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जो हमारा पोल है उसके राइट की तरफ जो भी हम डिस्टेंसेज मेजर कर रहे हैं अपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उनको हम पॉजिटिव लेंगे.
वाइल जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं अपने मिरर के लेफ्ट एक्सिस लेफ्ट साइड के अलोंग अवर एक्स एक्सिस, उनको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, ओके. डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू एट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो भी हम डिस्टेंसेस वगैरह मेजर कर रहे हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव. और जो भी हम परपेंडिकुलर यानी कि हम इस तरीके से जितने भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे ना 90 डिग्री पे, सो वो सभी हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सो जितने भी हमारे जो डिस्टेंसेस हैं वो अपने पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होंगे वो पॉजिटिव लेंगे हम, और जितने भी हमारे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होंगे उनको हम नेगेटिव लेते हैं. सो यही कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला वगैरह आप यूज़ कर रहे हो सो हमेशा आपको इन रूल्स का ध्यान रखना है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. आई होप साइन कन्वेंशन जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स की रिफ्लेक्शन होती है उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो चुके हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.